नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने भी दीप जलाए होंगे। और आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए मैं कर रहा हूँ। गजेंद्र मोक्ष हर किस्म के संकट से मुक्ति दिलाने वाला, भागवत में इसकी जबरदस्त महत्ता कही गई है, वो आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जब मैंने नवरात्रि के 9 स्तोत्र रखे थे, तभी मन में था कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी भावार सहित आपके समक्ष रखूं। श्री भागवत अंतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन, यानी गजेंद्र मोक्ष। शुक उवाच, सुखदेव जी ने कहा, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधी जजा परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यु निशिक्षितं ओम नमो भगवते तस्मै यद् एतत् चिदात्मकं पुरुषाया दिविजाय परेशाया भीदीमै यस्मिन् निदं यतश्चेदं येनेदं यदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनिदं क्वचिद्धि भातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धि दिक्साक्षु भयं तदीक्षते स आत्मूलो अवतु मां परात्पर कालेन पञ्चत्मितेषु कृतस्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तासीद् गहनं गभीरं यस्तस् से पारे अभिविराजते विभु। यहां तक का अर्थ बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थित कर वो गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए इस महान स्तोत्र का पाठ करने लगा। और क्या है यहां पर, गज का मतलब मनुष्य और ग्राह का मतलब मगरमच्छ का मतलब है ये माया रूपी संसार, और इसमें जब आप फंस जाते हैं तो कैसे ईश्वर आपको निकालते हैं। इसकी बड़ी सुंदर फिलॉसफी है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि इसमें ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाएं आपको मिलेंगी। सुनिए आनंद से, जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूं। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को, जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु, मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महतत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रहती है। उस अंधकार के परे अपने धर्म धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। आगे संस्कृत में जो स्तोत्र है, न यस्य देवा ऋषिः पदं विदुर जन्तु पुनः कोऽर्ति गन्तु मृतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचिष्टेत्तो दुरत्यायानुक्रमणः सामावतु दीदिक्षो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संगा मुनिय सुसाद्व चरन्त लोकोत्तमणम् मने भूतात् भूतासुरदे समेगति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा ननाम रूपे गुणदोषे वा तथापि लोकाप्य संभवाय यत् तान्यनु कालमच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंचक्त्यो अरूपायो रो रूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। इसका अर्थ, भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप ही, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्र वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। और आगे सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्यो नमो ज्ञान घनाय च।
विवेकी पुरुषों के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके, मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। आगे क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात मूलाय मूल प्रकृते नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे हेद्वे सर्वप्रत्यय हेद्वे अस्ताच्छाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमो 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 नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमामनाय महानवाय नमो पूर्गाय गुणारणिच्छिन्न चिदूषपाय ततक्षो भवि स्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकर्णाय नमो अलियाय स्वाशेन सर्तनु ग्रहण मनसि सर्व तनु ब्रह्मसी प्रतीत प्रत्यक दिशे भक्ते भृते नमस्ते आत्मात्म जाप्त भी वित्त जनेशु शक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात् भी स्वर्दय पारिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमीश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ति इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशो रात्यपि देहं व्ययं करोतु मे अद्वृद्यो विमोक्षणम्। अर्थ शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुष की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठ में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के साथ विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको बारंबार नमस्कार है। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाच्छन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चिरतम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः तमक्षरम ब्रह्म परम्परेशम व्यक्तम आध्यात्मिक योगगम्यम मतीन्द्रियम सूक्ष्म वातितुर्मनंत माध्यम परिपूर्ण मिडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नाम रूप विविधेन फलव्या च कल्याकृताः यथार्चि शोगने सवितुर्वस्त्यो निर्यान्ति सयासकस्रोचिचा तथा यतो अंगुण संप्रवाहो बुद्धिर्मन खानी शरीर सर्गाः स वैन देवासुरमर्ततंग न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्ण सन्न चाशन निषेध शेषो जैताद शेष जी जी विषय नाम या मुया की मंत्र बहिष्यावृतिये भयुन्या इच्छामि कालेन विप्लोस्तस्यात्म लोकावरणस्य मोक्षम सोऽहम विश्वसिजम विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रणोतो अस्मि परम पदम। ये बहुत सुंदर परिभाषा है, इसको जरूर ध्यान से सुनिए। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के शरण है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग्य द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूं।
ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, ये गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में न तो देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न तिर्यक मनुष्य से नीचे पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक ही हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश न हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य, न तो कारण ही, सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है, ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हो। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूं जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वता परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूं, उनकी शरण में हूं। योग रंदित कर्माणो हृदि योग विवाहिते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोऽस्मि अहम्। नमो नमस्तुभ्यं शय वेग शक्ति त्रयाय अखिल द्विगुणाय प्रपन्न पालाय दुरं शक्ति कदिन्द्रियाणाम नवाप्यवर्तनायम् वेद स्वात्मानं यच्छक्त्यान्द्यातम् तम दुरंत्याय महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचिता को प्रणाम करता हूं। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग भी उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथापि जिनकी इंद्रिया विषयों में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति से कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में हूं। इसके बाद में सुखदेव कहते हैं कि भगवान फिर इसके बाद प्रकट होते हैं और गज को ग्राहक के मुख से निकाल लेते हैं, यानी ये इसका संपूर्ण, इसके बाद में थोड़ा महात्म का इसका वर्णन होता है। गजेंद्र मोक्ष बहुत ही उत्तम है, आपको ईश्वर सारे कष्टों से सारे संकटों से निकाले, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे। एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं, इस प्रयास में आप सहयोगी बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जितने लोगों तक प्रभु की स्तुति पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, आप सबको बहुत बहुत नमन प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।